नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। खंडहर नुमा जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर रहने को बेबस यह कटिहार शमेली प्रखंड के मलहरिया पंचायत के बखरी गांव के लोग हैं। इस गांव में बरसों पहले सरकार द्वारा सैकड़ों इंदिरा आवास निर्माण करवाया गया था, मगर उसके बाद धीरे धीरे सभी आवास जर्जर हो गए, मगर इसके मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं पाया है, जिस कारण अब लोग घर छोड़कर या तो मचान में रहते हैं या घर के अंदर जान जोखिम में डालकर रहते हैं। ऐसे में तेज हवा का झोंका या जोरदार बारिश कभी इस इलाके के लिए बड़ा हादसा का वजह बन सकता है। इंदिरा आवास के इस जर्जर हालात पर कटिहार जिलाधिकारी कहते हैं कि यह सिर्फ कटिहार का एक इलाका नहीं बल्कि बिहार के कई इलाकों में ऐसी हालात हैं जब इंदिरा आवास सरकार द्वारा आवंटित हुआ था, इसके बाद मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाया है, इसलिए इस तरह का हालत है। लेकिन जल्द सरकार विशेष प्लानिंग के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। रोटी, कपड़ा, मकान लोगों के लिए मूलभूत जरूरत है और सरकार हर किसी को इसे उपलब्ध करवाने का दावा करता है, मगर इन दावे की हकीकत अगर ऐसी हो तो इस पर सरकार को जल्द ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। कितना दिन पहले ये बनाया गया था घर? 30 साल से ऊपर ये हो रहा है, 35 साल तक। अच्छा, 35 साल पहले ये घर बना था। हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये घर गिर गया तो बाहर मचान को चचला बना कर रहते हैं। अच्छा, कौन सा ये गांव है? बखरी। टोला? टोला वही बखरी है। अच्छा, टोला। तो आप लोग बारिश में कैसे रहते हैं घर में? चचला बना कर रहते हैं। दिक्कत हो रहा है? हाँ, दिक्कत हो रहा है। तो बोलो। हम लोग बाहर में रहते हैं, चचला मचान को चचला बनाकर बाल और पल्ली वही टांग कर बाल बच्चा को दिक्कत होता है। यहाँ कोई सरकार कोई ध्यान नहीं देता है और बहुत दिकदारी से रहते हैं। कितना घर है ये गांव में? ऊपर है घर ऋषि टोला। की तरह का दिक्कत हो जो तेरा घर द्वार नहीं थे, पानी फेकर व्यवस्था नहीं थे, कन्नो बाल कुया नहीं थे, हमारा इंगा बड़ी दुरासा नहीं थी, पानी भरी तो खाना करे थी, घर सुते व्यवस्था नहीं, बाहर हम सुते थी, और की कर घर तो रहने चुवे छ चुवे छ देखे छ दर दर के पल्ली बिछाए छी तब तो आराम करे छी, नहीं तो घर हम उन्हें बैठला रहे छी भर रात। अच्छा, बरसात सब पड़े छै दिक्कत हो छ? दिक्कत है छी। कहाँ रहे छ? बाहर में तीन ठे बैठला रहे छी, ओहि तो रहे छी बैठी, की करबे तब पानी चुवे पानी में कन्ना सुतबे। सुरेश जी, क्या दिक्कत हो रहा है घर में रहने के लिए? दिक्कत यही है सर, कब झांप देगा, कब मरेंगे कोई पता नहीं है, सही सगड़े ढहे ढंग मना गया, हम लोग का घर नहीं बनता है, कैसे रहेंगे, कैसे समय काटेंगे? लगभग कितना होगा यहाँ पे जो यहाँ आप तो लोग... करीब इतना ये घर का स्थिति होगा, 100 घर। 100 घर? हाँ, 100 घर का यही स्थिति। हाँ, यही स्थिति है, जाकर कोई चेक कीजिए। कौन सा जगह है? बखरी है, बखरी मुसहरी टोला। कितना वार्ड है? 11 नंबर। तो दिक्कत डर लगता है घर में? बहुत डर लगता है सर। तो कैसे रह रहे हैं आप लोग? किसी तरीका से जीवन बिता रहे हैं सर, कब मरेंगे कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। अच्छा, बारिश वरिश पड़ता है तो चुता है? हाँ, खूब चुता है, चुता है। तो समुचा घर में पानी होता है, घर ठंगना लग जाता है, उछलते हैं। ये समेली में ही नहीं है, पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में ये स्थिति है। जो आज से 15 वर्ष पूर्व इंदिरा आवास के नाम से जब जाना जाता था योजना, उस समय दिया गया था, उस समय वो जो भी मकान बने हैं 15 वर्ष में वो जर्जर हो चुके हैं। तो इसको सरकार इन लोग के लिए अलग से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 50,000 रुपये की राशि अवेलेबल करा रही है, और भी हम लोग इसको एक दो योजना से आच्छादित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि अगर वो पक्का छत नहीं था, एस्बेस्टोस था, तो उसकी जांच करके पक्का छत डालने के लिए भी हम लोग कुछ योजना के संबंध में तैयारी कर रहे हैं। निकट भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पूर्व में सरकार के दिए हुए पैसे से इंदिरा आवास बने थे वो जर्जर से पुनः वापस सही अवस्था में आ जाए,
इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।